आई एम बैक एंड आई है मैंने आप लोगों से पहले भी बात की थी कि इन जो लर्निंग्स मेरी uh, चल रही हैं व न्यू एडिशन इन द फैमिली और जैसे फैमिली के डायनामिक्स बदलते हैं फैमिली की uh, सारी जो आपकी एक रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है फैमिली की बच्चों की बच्चों को पालने की एक तो वो बदल जाती है ऊपर से एक रिफ्रेश भी काफ़ी हो जाती है बिकॉज जैसे आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं यू सॉर्ट ऑफ फॉरगेट कि छोटे बच्चे को आ, कैसे हैंडल करना होता है और छोटे बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उस वक्त आपको कितना किस तरीके से इंगेज करता है बच्चा तो वो सारा रिफ़्रेश भी हो रहा है काफ़ी नई चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाह रही थी बिकॉज आई एम प्रटी श्योर कि sure, uh, माएँ जो हैं वो इन चीज़ों के साथ से गुजरती होंगी एंड एज़ आई एम गोइंग अलॉन्ग मेरे पास भी बहुत ज़्यादा माएँ जो हैं वो अक्सर अकात मुझे किसी न किसी सोशल इवेंट पर मिलती हैं तो वो कहती हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखती हैं आप खुश कैसे हैं आप बच्चों को ऐसे प्यार कर रही हैं आप आ, उनके साथ खेल कूद कर रही हैं तो हाउ डू यू मैनेज दैट हाउ डू यू मैनेज हैविंग स्मॉल लिटल बेबी और उसके साथ काम कर रही हैं घर को मैनेज करना और बच्चों को होम स्कूलिंग भी कराना सारा कुछ तो ओबियसली आई एम नो आई एम नो सुपर वमेन इट्स समथिंग दैट आई हैव लर्न काफ़ी चीज़ें जो है वो मैंने सीखी हैं और कुछ टिप्स हैं विच मेक थिंग्स ईजियर इन चीज़ों को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान कर सकते हैं और कई चीज़ों को को ना जानने की वजह से हम खुद अपने साथ एक कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को और मुश्किल कर रहे हैं इट इज़ हार्ड इनाफ़ टू बी पेरेंटिंग इट इज़ हार्ड इनाफ टू बी अ मदर तो कुछ चीज़ों से हम अपनी जिंदगी और मुश्किल कर रहे होते हैं अनजान में विदाउट इवन नोइंग तो वो मैं चाह रही थी कि वो मैं ज़रा आई आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट इन टू लाइट एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस इट विद यू पीपल ताकि आप लोग भी जो हैं वो इन टिप्स का बेनिफिट हासिल कर सके और हंसते रहें और खुश रहें बच्चों के साथ और आप लोगों को भी अपनी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ ना करनी पड़े अपनी फ़िज़िकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना करनी पड़े आप अपनी किसी तरह से भी आपको ये ना लगे कि आपकी खुशी जो है वो छिन गई है आपसे या आपकी लाइफ जो है वो आपकी नहीं रही अब आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि कुछ चीज़ें हमें अपने जेहन में रखनी चाहिए एंड फ्यू लर्निंग्स जो थी जो मैंने गैदर किए हैं विथ टाइम एंड आई वॉन्टिड कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ Uh, ताकि आप लोग भी uh, इनसे कुछ ना कुछ होपफुली uh, इंशाल्लाह हासिल करेंगे और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें अच्छा एक जो चीज़ है आई थिंक एक अगर मैं ये सेंटेंस इस तरीके से बोलूँ तो शायद बहुत ज़्यादा रूट लगे या बहुत ज़्यादा सेल्फिश लगे स्पेशली बीइंग अ मदर एक माँ को देखा ऐसे जाता है कि वो सेल्फलेस बीइंग है तो वो अपना नहीं सोचती लेकिन ये एक बहुत गलत परसेप्शन है जो कि दिया जाता है कल्चरली एक इमेज क्रिएट किया जाता है माँ का जिसमें हम आ, दूसरी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं इतना सेल्फलेस हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सेल्फ अंदर सेल्फ लेस में भी एक सेल्फ था जो कि हम जिसको भी भूलते हैं और जो हम जिन चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं जो घर है जो बच्चे हैं जो खानदान है वो हमसे जुड़ा हुआ है हमारे खुशी हमारी सेहत हमारी ग्रोथ हैज़ ए मैसिव मैसिव इंपैक्ट ऑन एवरी सिंगल थिंग दैट वी ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ मतलब वो हमारे से इंडिपेंडेंट नहीं है एक ऐसा रिश्ता है टू वे स्ट्रीट का रिश्ता है बच्चों के साथ भी मियाँ के साथ भी घर के साथ भी अपनी जो फैमिली की ग्रोथ है उसके साथ भी जिसमें हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप समझ लें कि एक बिल्डिंग की बेस है हम और हम भूल जाते हैं कि हाँ बिल्डिंग खड़ी करनी है बिल्डिंग खड़ी करनी है लेकिन अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगी वीक नहीं होगी तो पूरी बिल्डिंग गिरेगी और इस इस बिलीफ़ इस रॉन्ग बिलीफ के साथ जब हम चलते हैं और हम अपनी पेरेंटिंग को या अपनी मदरहुड को लेकर चलते हैं तो हम अपनी आ, अपने नीड्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं मैं बहुत ज़्यादा माँ को जानती हूँ एमप्यूटी श्योर काफ़ी लोग सुन भी रहे होंगे जो इससे रिलेट कर सकते होंगे जो अपना खाना अक्सर उकात छोड़ देते हैं कि हाई है बच्चे को भूख लग रही है बच्चे को शायद ज़्यादा जरूरत इस चीज़ की है वो दे दिया भूखे रह गया अगर आप फीडिंग मदर हैं या आप उसके अलावा भी आप योर रनिंग अराउंड विद टॉडलर्स इन द हाउस आपको एनर्जी की जरूरत है यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ द सेंटेंस जो मैं बात कर रही थी कि सेल्फिश लगेगा या रूट लगेगा या थोड़ा सा मीन लगेगा वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द हाउस इज यू इट्स नॉट द चाइल्ड इट्स नॉट द चिल्ड्रन दैट इट्स इट्स नॉट इवन टू अ सर्टन डिग्री आप uh, उसको गलत तरीके से ना लीजिएगा लेकिन टू अ सर्टन डिग्री इट्स नॉट इवन द हजबेंड इट इज़ एक्चुअली द वुमेन जब वो घर की बाउंड्रीज में आ जाता है जो हजबेंड भी है ही इज़ नॉट मेकिंग द फूड ही इज़ नॉट डूंग द लॉन्ड्री इज़ नॉट the द हाउस हीज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द किड्स वो आप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है Yes, उसकी सेहत तो और उसकी खुशी बहुत जरूरी है क्योंकि उसने वो घर चलाना है वो रिसोर्सेज उसने प्रोवाइड करनी है उसने बाहर जाके सारा कुछ टैकल करना है आपको वो इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी और हर चीज़ की प्रोविजन उसने देनी है वो ऑल साइड लाइक ए साइड वो दूसरी एक्स्ट्रीम है उसको आप इस तरीके से ना समझें कि उसका आपने ध्यान ही नहीं करना लेकिन उसका ध्यान करने से भी पहले यू हैव टू तो मेक श्योर दैट यू आर पी योर हेल्दी योर कंटेंट आप खुश हैं आप मुकम्मल फील कर रहे हैं यहाँ तक कि शादी की भी बात हम करते हैं जो कि बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं लोग समझ के कि शादी के बाद हम कंप्लीट हो जाएंगे ये बहुत ही अगेन रॉन्ग परसेप्शन है काफी चीजों में येस ए, 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 एक मैच होता है जैसे आप समझ रहे हैं ये दो हाथ हैं और जब ये इकट्ठे आते हैं तो इट्स दिस सॉर्ट ऑफ टवाइन एंड बिकम वन लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि ये हाथ जो है कि उसकी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है अपनी कोई उसकी अ, उसके अंदर कोई खसूसियत नहीं है उसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है ऐसे नहीं होता तो ये हम गलत बिलीफ की वजह से गलत शादियाँ भी कर जाते हैं हम अपनी अ, अपने आप को समझते हैं कि कोई हमें मिल करेगा लेकिन नहीं यू हैव टू बी हैप्पी हेल्दी एंड कंटेंट बिफोर इवन गेटिंग टू अ पर्सन ताकि आप वो ला सकें दूसरे की जिंदगी में आप ढूंढते ना रहें दूसरे से छीनते ना रहे असल में आपके पास होगी जो चीज़ वही आपको वापस भी मिलेगी तो अगर है ही नहीं तो फिर हम कैसे ढूंढ सकते हैं इसी तरीके से जो पेरेंटिंग का रिलेशनशिप भी है बच्चे ने आपको खुशी नहीं देनी बच्चे ने आपको वक्त नहीं देना बच्चे ने आपको सेहत नहीं देनी बच्चे आपसे लेते बहुत ज्यादा हैं लेकिन आप जब अपने आप को देंगे तो आप ये देखेंगे कि बच्चे अपने तरीके से आपको वापस भी कर रहे होंगे जो चीजें हमें अक, अक्सर अनोइंग लग रही होती हैं या टायरिंग लग रही होती हैं या एग्जॉस्टिंग लग रही होती हैं वो बच्चे का तरीका होता है आपको वो देने का जो कि आप अक, असल में जो आपकी ज़रूरत है फॉर इंस्टेंस लेट मी एक्सप्लेन एक बच्चा है वो आपसे बात कर रहा है वो आपसे गपशप लगाना चाह रहा है आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है आपके पास टाइम नहीं है तो आप कहते हैं भाई चले जाओ मेरे पास बड़ा काम है ये करना है मेरे वो करना है चले जाओ चले जाओ अभी मुझे तंग ना करो तो उसमें वो बच्चा आपको क्या देना चाह रहा था आपको प्यार देना चाह रहा था आपको एक फीलिंग ऑफ रिकग्निशन या फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस देना चाह रहा था जो कि आपकी ज़रूरत है लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था या आप इतने ओवरबर्डन ऑलरेडी थे अब ऑन द हैंड अगर आप अभी बैठे होते हैं आराम से और आप उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर लेते बाय द एंड ऑफ द डे यू वुड हैव फेल्ट मच बेटर कि आपने बच्चे को टाइम भी दिया और आपकी बॉन्डिंग भी उसके साथ ज़्यादा अच्छी होगी आपका एक अच्छा रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड हो गया आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा क्लोज हो गए आपने उसको हक दिया हक आपने किया तो आपको भी वो हार्मोन्स मिले जो आपने उसको दिए प्यार के अफेक्शन के ट्रस्ट के तो आपको भी वो ऑक्सीटोसिन मिला उसको भी मिला तो इट्स अगेन लाइक ए सैड इट्स अ टू वे स्ट्रीट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ यू अपना ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है और हम इतना ज़्यादा छोटे बच्चा बिकॉज वो इतना ज़्यादा आप डिपेंडेंट होता है कई चीज़ों में हम समझते हैं कि नहीं इसके लिए ये नुकसान दे इसके लिए ये नहीं करना चाहिए मुझे वो नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए एट टाइम्स इट्स ओके टू टेक अ डिसीजन जो आपके लिए अच्छा है जो आपको खुशी देता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है किसी भी तरीके से जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल दे आपको बताती हूँ अभी मेरी बेटी सो रही है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ अभी मेरे पास एक ऑप्शन थी मेरे बच्चों ने अभी लंच किया है उसके बाद अक्सर वो कातुम को जैसे खेल कूद कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद उनको भूख लग जाती है और उन्होंने कहना होता है कि मम्मा कुछ मज़े का बना देना अब मेरे पास ऑप्शन है मज़े का क्या बनाया जा सकता है या मैं घर पे कोई मज़े का उनको डिज़र्ट बना के दे सकती हूँ कोई स्नैक बना के दे सकती हूँ जो कि इस वक्त मैं कर रही होती अगर मैं ये वीडियो ना बना रही होती या मैं अपने हस्बैंड को कह सकती थी कि प्लीज़ आप ऐसे करें बच्चों को फ्रूट्स मंगवा दें ले आए खुद से अब yes, वो फ्रूट्स अगेन स्नैक यस मे बी वो ज्यादा प्रफर करते हैं कि मैंने एक चॉकलेट करके कर दे कर देती दे लेकिन अभी मैंने अपने को प्रायोरिटाइज किया नहीं आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो आई वॉन्ट टू फील इंपॉर्टेंट आई वॉन्ट के अपनी जो लर्निंग है मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकू मैं जिंदगी अपने लिए ना जीऊं मैं ये दिन ब दिन जो सीख रही हूँ जो कर रही हूँ जो खुशी मुझे मिल रही है मैं दूसरों को बता सकूं कि वो भी कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ मैंने अपने आपको प्रायोरिटाइज किया तो आई मेड decision. मैं I लिटरली mean, अभी इस uh, हमारी रिकॉर्डिंग रूम जो है इसमें आने से पहले खड़ी हुई इंतजार में कि छुडाए गो छुडाए मेकअप वीडियो या मैं बच्चों के लिए केक बना दूँ या बच्चों के लिए वो कर दूँ कि मुझे पता है उनको बड़े खुश होंगे फिर आई थाट कि वो ज्यादा किस चीज़ से खुश होंगे जब मैं वीडियो बनाऊँगी और उसके बाद मैं इतनी खुश होंगी बिकॉज आई अचीव समथिंग आई डिड समथिंग दैट मैटर्ड टू मी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वो किया और जब नीचे आकर उनको जोर का हक दूंगी और मैं उनको कहूँगी आई लव यू सो मच आप लोगों ने मामा को वीडियो बनानी थी और मैं अपनी छोटी सी जो मेरी बेटी उसको भी प्यार करूंगी कि आप सोई ने वीडियो बनाई है तो वो उनको जब फील होएगा दैट सरपाजनी एनी थिंग आई हैव मेड कोई भी खाने की चीज़ उनको मैं पकड़ा देती लो थका देते हो तंग करते हो हर वक्त भूख लगी रहती है ऐसे कर करके देती वो उनको वो खुशी नहीं देती जो मेरा ये एक्शन देगा तो दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इस वजह से इतना ज़रूरी है कि हम खुश रहें इतना ज़रूरी है कि जो माँ है उसको वो अहमियत ना सिर्फ दूसरी दें लेकिन वो अपने आप को भी दे जो कि उसका हक है जो कि उस जो उस पर ज़िम्मेदारी है उसके साथ उसका एक ये एडिड uh, बेनिफिट भी है कि उसको बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाए वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी वजह से पूरा खानदान चल रहा है उसकी वजह से आगे नस्लें बन रही हैं उसकी वजह से अब तरबियत अच्छी देगी तो कितने लोगों को फ़ायदा होएगा लेकिन वो देने के काबिल तो बने और वो काबिल तभी बनेगी जब वो अपनी बेसिक नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करती फिर कि हाय मैं अभी ऐसे खाती नहीं हूँ अभी मैं पानी नहीं पीती अच्छा मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को भूख लगी है क्योंकि मेरे बच्चे ने वॉशरूम जाना है क्योंकि मेरे बच्चे को जरूरत है नहीं एट टाइम्स यूनिटी से नो मुझे अभी ज़रूरत है आप वेट करें बेटा मैंने अभी जाना है आप वेट करें बेटा मैंने अभी खाना है यू नीड टू मेक दो टफ डिसीजनस कभी कभार नो no करना जरूरी पड़ जाता है तरीके से तमीज़ से प्यार से लेकिन ज़रूरी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि उसके बाद जो आपका एक सुकून आपको मिलेगा जो आपको एक खुशी मिलेगी कि आपके बच्चे ने आपके लिए वक्त निकाला या आपको प्रायोरिटी दी या आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी उसका जो पॉजिटिव रिपल इफेक्ट है जैसे एक पानी में आपने पत्थर फेंका तो उसके रिपल्स बनते हैं इस तरीके से असर जो आता है पूरे खानदान पर बच्चों पर आपको लगेगा कि फॉर डेज आप खुश रहेंगे बिकॉज ऑफ दिस तो आई होप एक छोटी सी लर्निंग है बहुत इम्पैक्टफुल लर्निंग है और ये आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें टेक अ फ्यू डिसीजन फॉर योर सेल्फ कुछ ऐसे एक्शन करें जो कि आप कॉम्प्रोमाइज इन पर करते रहें करते रहें छोड़ते रहें कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता नहीं होता, नहीं होता है आप अपने आप को अहमियत दें क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप सबसे इंपॉर्टेंट है इस घर में क्योंकि आप सब कुछ चला रही हैं और अगर अपने आप को आपने ध्यान नहीं किया अपना और आप अगर खुश नहीं होंगी तो ट्रस्ट में नो मैटर व्हाट यू डू कितने दफ़ा भी आप ये बार बार बच्चों को प्रायोरिटी देती रहें या खान अपनी हस्बैंड को या घर को प्रायोरिटी देती रहे एट दी एंड आप अनहैप्पी होंगी और उसकी वजह से पूरा घर जो है वो अनहैप्पी होगा आई हैव सीन इट इट हैपन्स so i hope this helps inshallah and more learnings are on the way so bobi apsunyega are inshallah i hope those help too thank you